हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टूर चैनल सो सोज चैनल पर जैसे कि आप जानते हैं हम क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के आपको इंटरडेट देते हैं और क्योंकि आज सर ट्रैवलिंग में है तो आज के जो कल के लिए यानी कि मंडे के लिए जो लेवल्स हैं वो वहाँ पर हम निकालेंगे यहाँ पर नए सेल से शुरुआत करेंगे हमें और यहाँ पर हम क्रूड ऑयल में देखें तो जैसे कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डाउन साइड बहुत स्ट्रॉग सपोर्ट है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकती है और जो डाटा है यूएस का जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया था और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि ता आपके पास जो डाटा है वो आपके पास टाइमली पहुंच सके तो डाटा हमने अपडेट कर दिया था और नेगेटिव था वो डॉलर इंडेक्स के लिए और जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिली है और काफी स्ट्रांग मोमेंटम हमें यहाँ पे अपसाइड के देखने को मिल रही है और यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का मूव लेना शुरू किया था और जो डाटा आया है वो अराउंड सात बजे के पास आया तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल हमें दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन सी थी मार्केट को कि मार्केट किस साइड पे जा सकती है तो जैसे ही यहाँ पे डाटा हमारे पास आना शुरू हुआ रिलीज हुआ और पॉजिटिविटी बनी डौ, क्रूड ऑयल के लिए और डॉल इंडेक्स के लिए नेगेटिविटी बनी तो यहाँ से मार्केट ने अपसेट का मूव लेना शुरू कर दिया तो यहां से आप देख सकते हैं अच्छा मूव आया है और अपसेट के जो टारगेट्स थे वो हमारी पुरानी वीडियोस में जो आपको लेवल्स दिए थे वो सभी अचीव भी हो चुके हैं तो अब अगर हमें मंडे के लिए लेवल्स को फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा ड्रॉ करना पड़ेगा तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है नीचे की तरफ मार्केट गिर रही है और यहाँ पे हमें वो ट्रेंड जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है कि ये टूट चुका है ठीक है लेकिन ये जो टूटा है ट्रेंड ये टूटा है डाटा की वजह से जो डाटा आया है उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेंड टूटा है तो हम इस इस, इस ब्रेक को हम हम जो है इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते ठीक है तो हमें थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ रहने देना होगा और इसके अलावा हम अपने लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल्स हम मार्क करेंगे यहाँ पर अपने डे के चांसेस स्टार्ट करेंगे देखिए डे के चार्ट पर इस टाइम पे मार्केट जिस लेवल पर है वो बहुत इंपॉर्टेंट uh, सा लेवल है इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि देखिये एक्जैक्टली exactly इस लेवल पर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर क्लियर सपोर्ट लिया है और अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ भी करते हैं तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे इसी लेवल पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर सपोर्ट बना है यहाँ पे भी सपोर्ट बना है और उसके बाद यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे सपोर्ट बना है और अभी फिर से मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ रही है लेकिन देखिए मार्केट जो है सपोर्ट ले रही है यहाँ तक आ रही है उसके वापस बाउंस बैक कर रही है यहाँ पे भी देख सकते हैं नीचे की तरफ आई है फिर वापस बाउंस बैक कर गई है मार्केट इसके अराउंड आई है फिर ऊपर की तरफ चली गई है तो मार्केट यहाँ पर आकर थोड़ा सा सपोर्ट फेस कर रही है अभी भी देखिए मार्केट ने स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ का मोमेंटम लिया था और नेक्स्ट कैंडल हे में ग्रीन देखने को मिल गई है ठीक है और ये जो ब्रेक हुआ था ये जो आप देख रहे हैं ये जो लेवल है यहाँ से इम्पोर्टेंट लेवल जो ब्रेक हुआ था रेड कैंडल का ये लो वॉल्यूम के साथ हुआ था हम इस ब्रेक को अभी हम इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ अब मार्केट जो हम नीचे की तरफ गिरना और शुरू हो गई है तो अब हमें यहाँ पे अगर हम आवली डे के चार्ट पे देखें तो सबसे पहले डे के चार्ट पर हमें कुछ ऐसे लेवल्स को देखना है जहां पे मार्केट स्ट्रांगली सपोर्ट ले रही है या रेजिस्टेंस ले रही है तो हम सबसे पहले एक ये लेवल मार्क करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी कैंडल्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है यहाँ पे हमें यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है पिछले दो दिनों में मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ पर उसके बाद अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो हिस्ट्री भी चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें फिर से एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली exactly इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए सपोर्ट मिला है यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है इससे पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है

तो यहाँ से देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर रही है उस लेवल को हमें जरूर मार्क करना है तो देखिए एक ये लेवल है यहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको भी नहीं पता चल रहा होगा तो हम यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी इस लेवल की इंपॉर्टेंस हमें यहाँ से पता चलेगी अब देखिए यहाँ पे हमने ये लेवल क्यों मार्क किया है स्टार्टिंग से शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए कितना क्लियरली मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पा रही है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट कितनी देर तक यहाँ पर रुकी रही है उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है सपोर्ट देखने को मिला है फिर से सपोर्ट देखने को मिला है उसके बाद और, और आगे चलते हैं हम पर मार्केट मार्केट देखिए कितना कितनी देर रेजिस्टेंस लेती रही है। कम से कम सात आठ घंटे मार्केट जो है यही पर रेजिस्टेंस लेती रही है यहां पर फिर से सपोर्ट क्रिएट हो गया और यहां पर मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया और आगे चलते हैं और आगे देखिए ये क्लियर सपोर्ट आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा तो मल्टीपल लेवल्स है यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर जहाँ पे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस कर रही है इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप ये वाला लेवल मार्क कीजिए यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्गली मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्गली सपोर्ट लिया है क्लियर सपोर्ट बना है यहाँ पर ठीक है तो इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे इसको भी हमें मार्क करना है

के अराउंड हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक हमारा लेवल बन जाएगा तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एक लेवल है सिक्स थ्री वन टू का लेवल है इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और इसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हमें साइड प्लान करना है और अगर यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है इसके अलावा जो डाटा आ रहा है तो डाटा के लिए आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि उससे से आपको पता चलेगा कि, कि किस तरह का डाटा आपको क्रूड ऑयल पे या फिर डॉलर इंडेक्स पे इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ सकता है यूजली जो मंडे को है मंडे को बहुत ज्यादा डाटा नहीं आता है लेकिन जो भी डाटा आता है वो स्ट्रॉन्ग डाटा आता है और वो मार्केट पर जरूर इंपैक्ट करता है तो डाटा एनालिसिस की वीडियो को आप जरूर जरूर देखें है, वो हम ज्वाइन जो, जो तो नहीं किया है तो आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो आप ऊपर जाकर आई बटन पर क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं तो यहां से अगर मार्केट ने सिक्स को ब्रेक किया तो सिक्स थ्री फर्स्ट टारगेट रहेगा इसके ऊपर अगर जीरो तो सेवन तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है और इनके अगर यहाँ से रिवर्सल लिया तो सबसे पहले सिक्स टू जीरो एट हमें यहाँ पर सपोर्ट uh, देगा ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए ये हमें uh, support, हमारे सपोर्ट का काम कर सकती है 6208 के नीचे अगर रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी तो 6149 और 6082 का हमारे को टारगेट देखने को मिल सकता है तो क्रूड ऑयल में ये हमारे लेवल्स रहेंगे इन लेवल्स को आप आ, मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर ये लेवल हमें डायरेक्ट करने वाले हैं कि किस तरह का हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है मंडे को अगर देखिए क्रूड ऑयल में जो है आपको ट्रेड करने के लिए काफी ज्यादा मार्जिन की जरूरत होती है लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं या जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो इतना मार्जिन अफोर्ड नहीं कर पाते तो उसके लिए हम किस में ट्रेड ले सकते हैं हम यूएस ऑयल में ट्रेड ले सकते हैं इसमें फोर पॉइंट डॉलर में ही आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो बहुत ही छोटा मार्जिन रहता है यहाँ पर और इजिल आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो इसके लिए आप एक्सनेस को यूज कर सकते हैं एक्सनेस जो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है उसका लिंक भी आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप डाउन साइड पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथ ही आई बटन आपको ऊपर नजर आ रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका लिंक भी आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा तो एक्सनेस को जरूर ज्वाइन कीजिए हम सालों से यूज कर रहे हैं और काफी जो ट्रस्ट वी एक प्लेटफॉर्म रहा है हमारे लिए और हमें कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई ना ही फंड करने में ना ही विद्रॉ करने में ना ही कभी ट्रेड प्लान करने में तो आपको ये जो यूएस यूएसआई का है ये आपको एक्सनेस पे ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा तो उसको जल्दी से जल्दी आप एक्सनेस का अकाउंट आप ओपन कर लीजिए अब हम इसमें डिस्कस करते हैं हमारे लेवल्स को देखिए यहीं पे जहाँ पे भी मार्केट है यहीं पे मार्केट ने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा हुआ है सबसे पहले हम इसी को ही मार्क करते हैं ठीक है इसी लेवल को माक करते हैं थोड़ा सा नीचे की साइड पर ये लेवल ये हमने क्यों मार्क किया है अगर आप इसको नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए क्लियर सपोर्ट मिला है उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है यहाँ पे क्लियर सपोर्ट मिला है ठीक है इसलिए हमने यहाँ पे देखिए इस लेवल को क्लियर सपोर्ट मिला है तो इस लेवल को हमने इसलिए मार्क किया है और इसके ऊपर देखेंगे तो इसी लेवल के अराउंड जहाँ पे अभी क्लोज हुई है मार्केट यहाँ पर इसको भी हमने मार्क किया इसको क्यों मार्क किया हमने क्योंकि कि देखिए यहाँ पर मार्केट इन दोनों के बीच में ट्रैप हुई है यहाँ पे, पे भी इन दोनों के बीच में ट्रैप हुई है यहाँ पे भी ट्रैप हुआ है और अभी भी ट्रैप हो रखी है ठीक है तो यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा सा ट्रैप हो रही है बार बार और अगर यहाँ से नीचे की तरफ देखें तो एक डाउन ट्रेंड जैसा कि हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिला था सेम डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि ये ब्रेक कर चुकी है तो अभी हमें क्या करना है हमें अपने लेवल्स को फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल लेवल्स को मार्क करेंगे हम सबसे पहले जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ ये लेवल रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट मिला है यहाँ रेजिस्टेंस मिला है इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल रहेगा हमारा वो इस हाई के अकॉर्डिंग रहेगा और यहाँ पे सपोर्ट के अकॉर्डिंग रहेगा इसके ऊपर भी अगर मार्केट आती है तो हमारे को जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड

और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखिए पीक मिल रहा है हमें देखने को यहाँ पे हमें ये लो देखने को मिल रहा है तो हम exactly इस लेवल पे मार्क करते हैं यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पर रेजिस्टेंस है यहाँ पे सपोर्ट फेस किया है तो सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन जीरो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है हम वापस चलते हैं अपने टारगेट एरियाज पर डिसिव लेवल्स हमारे सेवेंटी सिक्स पॉइंट जीरो फोर और सेवनटी फाइव पॉइंट एट फोर रहेगा बाकी लेवल्स को हम ऐसा करते हैं ग्रीन कलर से कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रीन कलर जो है हमारे टारगेट लेवल्स रहेंगे तो डिसेसिव लेवल्स वो होंगे जो हमें हेल्प करेंगे ये बताने में कि हमें किस तरफ का ट्रेड प्लान करना है जिस भी साइड के लेवल ब्रेक होगा उस साइड पे हम प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को देखिए ये जो गैप है ना ये 76.77 और 77.42 ये बहुत बड़ा गैप है इसके बीच में हमें कोई लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा और जो लेवल हमें बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है उसको हम मार्क कर लेंगे देखिए यहाँ पे एक लेवल है यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला है यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है तो सेवेंटी सेवन पॉइंट जीरो थ्री हमारा एक लेवल रह सकता है तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है देखिए अगर मार्केट जो है सेवेंटी सिक्स पॉइंट जीरो फोर को ब्रेक कर देती है तो सेवनटी सिक्स पॉइंट फोर जीरो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा सेवेंटी सिक्स इसके ऊपर अगर मार्केट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देती है तो 76.77 नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसके ऊपर 77.03 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है और अगर मार्केट 75.84 को ब्रेक कर देती है इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग दे देती है हाई वॉल्यूम के साथ तो हमारे जो टारगेट रहेगा 75.28 रहेगा इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 74.696 रहेगा और इसके नीचे 74.70 आप मार्क कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए तो ये लेवल्स जो है हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं मंडे की ट्रेडिंग के लिए इनको आप मांग कर लीजिए साथ के साथ आप, आप हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्टली जो है तैयार हो जाएंगे मंडे को ट्रेड लेने के लिए ले। तो इसके साथ ही अगर आपने आ, आप हमारी जो कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हैं तो हमारी जो फाइव ई की स्ट्रेटी है वो बहुत परफेक्टली काम कर रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप उसको ज़रूर यूज़ करके देखें आपकी जो प्रॉफिट की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादातर जो है पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएंगे यानी कि पॉजिटिव ट्रेड्स ही आपको मिलेंगे तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं वो हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं तो लाइक्स भी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ ओके इन्वेस्टर्स बाय एवरीबडी टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स